गाइज मेरी वीडियोस देखने के बाद सब्सक्राइब करना। एकदम सरल है। जोक मारो हंसने भाई। हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्लासिक फियर चैनल पर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2016 में आई अंडररेटेड ऑस्ट्रेलियन क्राइम थ्रिलर मूवी हाउंड्स ऑफ लव को। ये मूवी एक रियल लाइफ केस पर बेस्ड है और उस केस के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं दिसंबर 1987 पर्थ ऑस्ट्रेलिया को। में दिखाया जाता है एक कपल जिनके नाम है जॉन और एवलिन और वो दोनों स्कूल गर्ल्स को खेलते हुए देख रहे हैं। अब उन्हीं गर्ल्स में से एक लड़की अपने घर जा रही थी तो वो दोनों उसके पास जाकर उसे लिफ्ट ऑफर करते हैं और वो भी कार में बैठ जाती है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे घर छोड़ने के बजाय उसे अपने घर ले जाकर कैद कर देते हैं और कई दिनों तक टॉर्चर करने के बाद उसे जान से मार देते हैं। उसके टुकड़े कर जॉन कहीं दूर जंगल में दबा देता है और एवलिन ने अपने घर की साफ सफाई कर दी। उस लड़की का नाम था गैबी, उसकी तलाश जारी है लेकिन अब वो नहीं मिलने वाली। आपको पता चल ही गया होगा कि ये दोनों सीरियल किलर हैं, जो लड़कियों को पहले किडनैप करके उसे टॉर्चर करते हैं और उसके बाद वो उसे जान से मार देते हैं। अब आगे हमें दिखाई जाती है विकी नाम की एक लड़की और उसके पेरेंट्स अब साथ नहीं रहते, इसलिए वो थोड़ी परेशान है। वो वीड भी लेने लगी है अपने बॉयफ्रेंड जेसन के साथ। वैसे तो ये अपने डैड ट्रेवर के साथ रहती है लेकिन वीकेंड्स पर ये रहती है अपनी मॉम मैगी के पास और ये उसे जरा भी पसंद नहीं करती। ये काफी इंटेलिजेंट है लेकिन इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अभी क्लास में टीचर पढ़ा रही है लेकिन ये तो अपनी नोटबुक में ड्राइंग कर रही है। अब वीकेंड्स में ट्रेवर विकी को मैगी के पास छोड़ जाता है। मैगी का प्लान है कि आज रात वो दोनों देखेंगे एक मूवी, लेकिन विकी को तो जाना है एक पार्टी में और वो जाकर ही रहेगी, उसे मैगी की परमिशन नहीं चाहिए। अब मैगी कहती है कि चलो मैं तुम्हें पार्टी में छोड़ आऊंगी, लेकिन विकी कहती है कि मुझे डैड ने टैक्सी के पैसे दिए हैं। मैगी कहती है कि तुम कहीं भी नहीं जाने वाली। उसने विकी को वार्न कर दिया था लेकिन विकी उसे पागल बनाकर घर से निकल जाती है क्योंकि पार्टी में तो उसे जाना ही है। वो हाईवे की तरफ जा रही थी तभी उसके पास आ जाते हैं जॉन और एवलिन। वो दोनों उसे ऑफर करते हैं वीड। उसे वीड चाहिए थी लेकिन जॉन ऐसा दिखाता है कि आखिर स्टिक भी खत्म हो गई और सारा माल उनके घर पे है। ये सब इनके प्लान का पार्ट है लेकिन इसमें विकी नहीं फंसती, लेकिन विकी फंस जाती है दूसरे झांसे में। उसे टैक्सी चाहिए थी और साथ ही वीड भी। एवलिन कहती है कि हमारा घर यहीं पास में है, वहाँ से तुम कैब बुला सकती हो। रात का टाइम था इसीलिए विकी उन पर भरोसा कर लेती है एवलिन की शक्ल देखकर। उनकी कार में बैठकर वो पहुँच जाती है उनके घर, जहाँ उसकी मुलाकात होती है एवलिन के डॉग लू से। जॉन ने इसे लाया है सिर्फ एवलिन के लिए। एवलिन बताती है कि जब वो 13 साल की थी तब से वो जॉन के साथ है, लेकिन बीच में हम अलग हो गए थे। एवलिन की शादी हो गई थी और इसके 2 बच्चे भी हैं जिसे ये बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन वो इसके साथ नहीं रहते क्योंकि ये जॉन के साथ रहती है। विकी बाहर ही रुकी हुई थी लेकिन ड्रिंक का लालच देकर एवलिन उसे अंदर ले आती है। ड्रिंक पीते ही वो बेहोश होना शुरू हो गई थी और ये दोनों आराम से नाच रहे थे। विकी उठकर वहाँ से जाने लगती है लेकिन वो उसे जाने नहीं देते। तब उसे एहसास होता है कि असल में उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। वो दोनों उसे एक बेड पर ले जाकर बांध देते हैं और विकी सिर्फ चिल्लाती रह गई। अगले सुबह मैगी देखती है कि विकी अपने रूम से गायब है। वो ड्राइवर को फोन करके इसके बारे में बता देती है लेकिन वो ज्यादा सीरियस नहीं थी क्योंकि उसे पता है कि विकी पार्टी में गई होगी। यहाँ जॉन को उसके पर्स में एक डायरी मिलती है जिसमें विकी का पूरा बायोडाटा था, कौन है, क्या करती है, ये सब कुछ। और विकी ने सिर्फ एक ही रात में देख लिया कि जॉन एवलिन के साथ कुछ खास अच्छा बर्ताव नहीं करता, वो सिर्फ एवलिन को यूज कर रहा है। एवलिन की वजह से ही लड़कियां इसकी कार में बैठ जाती हैं। अब एवलिन विकी को साफ सुथरा करती है और उसे नहाने ले जाती है और तब विकी देखती है कि बाथरूम में एक विंडो है, उससे भागा जा सकता है। फिर एवलिन विकी से एक लेटर लिखवाती है। उसने लिखवाया था कि मैं तंग आकर दूसरे शहर में आ चुकी हूँ, मुझे कोई और मिल गया है और मैं उसी के साथ यहाँ रहूंगी। ये सब इसलिए ताकि इसके पेरेंट्स चिंता ना करें और पुलिस में ना जाएं। लेकिन विकी ने इस लेटर में एक सीक्रेट मैसेज भेजा है जो कि सिर्फ जेसन ही क्रैक कर सकता है और विकी ने इस लेटर को सिर्फ जेसन को दिखाने के लिए कहा है, लेकिन ये
भाई उस लेटर को भेजेंगे इसकी मॉम के पास। यहाँ हम देखते हैं कि जॉन की अपने घर के बाहर कोई इज्जत ही नहीं है। वो वापस घर जाता है तब एवलिन विकी को लेकर बाथरूम में जा रही थी। एवलिन को वहाँ पर रोककर जॉन खुद विकी के साथ बाथरूम में जाता है और एवलिन को सिर्फ यही चिंता हो रही थी कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। एवलिन जॉन की हेल्प तो करती है लेकिन वो खुद इनसिक्योर है। वो नहीं चाहती कि जॉन किसी और के साथ मेकआउट करे। ये सिर्फ इतना ही चाहती है कि वो सिर्फ लड़कियों को किडनैप करे, उन्हें टॉर्चर करे और फिर मार दे। काफी देर तक जॉन बाहर नहीं आता, तब वो खुद उसे बाहर बुलाती है क्योंकि वो समझ गई थी कि अंदर हो क्या रहा है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए विकी विंडो के थ्रू भाग रही थी लेकिन उसे रोक देती है लू। तब वो छुप जाती है बाथटब में, लेकिन उन दोनों को तो यही लगता है कि वो भाग गई। दोनों बाहर जाकर उसे ढूंढ रहे थे लेकिन वो तो घर में ही थी। एक नाइफ लेकर वो बैक डोर से निकल रही थी कि तभी उसे पकड़ लेता है जॉन। वो दोनों मिलकर उसे काबू कर लेते हैं लेकिन विकी ने काफी शोर मचा दिया था, इसीलिए उनका पड़ोसी वहाँ पर आ जाता है। एवलिन उससे बात करती है और जॉन ने विकी के गर्दन पर चाकू रखा हुआ था ताकि ये शोर ना मचाए। इतने में जॉन विकी को बताता है कि वो लोग यहाँ पर क्या क्या करते हैं और इसके साथ वो क्या करेंगे। एवलिन ने अपने पड़ोसी को समझा कर भेज दिया तो ये दोनों तो बच गए लेकिन बचने से रह गई विकी। एवलिन जाकर विकी का लेटर मैगी के मेल बॉक्स में डाल देती है और उस वक्त मैगी ट्रेवर के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी। पुलिस वाले भी इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। वो कहते हैं कि शायद वो भाग गई होगी, क्या पता वो मंडे तक वापस आ जाए, तुम बस वेट करो। घर जाकर उन्हें लेटर मिल जाता है जिससे ड्राइवर तो सेटिस्फाई था लेकिन मैगी को ये बात हजम नहीं हो रही। यहाँ जॉन विकी को अब्यूज करने पहुंच चुका था लेकिन तभी वहाँ पहुंच जाती है एवलिन। विकी उसे बता देती है कि जॉन यहाँ क्या कर रहा था क्योंकि विकी जानती है कि अगर यहाँ से निकलना है तो उन दोनों के बीच दरार लानी होगी। विकी कहती है कि जॉन सिर्फ तुम्हें यूज कर रहा है, उसने डॉग भी इसीलिए लाके दिया क्योंकि तुम्हारा ध्यान अपने बच्चों की तरफ ना जाए और तुम इसी तरह खुश रहो। कहीं ना कहीं एवलिन भी इस बात को जानती थी लेकिन आज किसी और ने भी कह दिया, इसलिए ये बात उसके दिमाग में बैठ गई। अब एवलिन को ये डर है कि जॉन उससे प्यार नहीं करता। वो जाकर जॉन से कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो अभी विकी को मार डालो, लेकिन जॉन मना कर देता है क्योंकि उसके प्लान्स कुछ और हैं। वो कहता है कि मंडे को मैं उसे मार दूंगा। तब एवलिन अपने गर्दन पर चाकू रखकर कहती है कि या तो वो या तो मैं। जॉन एकदम चिल था, वो कहता है कि डू इट, क्योंकि जॉन जानता है कि एवलिन ऐसा नहीं कर पाएगी। अगर वो ऐसा कर पाती तो अपने बच्चों से दूर क्यों रहती। हमें पता चलता है कि एवलिन की बेटी किम को भी जॉन ने अब्यूज किया था, इसीलिए इसके दोनों बच्चे चले गए अपने डैड के पास। लेकिन एवलिन उससे दूर नहीं जा सकती क्योंकि जॉन के उसके ऊपर एहसान है, इसीलिए वो जॉन की हेल्प करती है इन सब कामों में। एक तरह से वो जॉन का एहसान चुका रही है और जॉन का एहसान ये है कि एवलिन का हस्बैंड काफी अब्यूजिव था और जॉन ने एवलिन को उससे बचाया था। उसके बाद इसके बच्चे भी इनके साथ रहते थे लेकिन जब जॉन ने एवलिन की बेटी के साथ छेड़छाड़ शुरू की तब दोनों बच्चे अपने डैड के पास चले गए। यहाँ जॉन फिर से उसे बातों में उलझा लेता है। वो एवलिन से कहता है कि मैं तो सिर्फ उसे रेडी कर रहा था हम दोनों के लिए, क्योंकि ये दोनों साथ में मिलकर अपने विक्टिम्स को अब्यूज करते हैं। वो भी उसकी बात मान जाती है और अब उसे पछतावा हो रहा है कि उसने ये सब किया। अब वो दोनों साथ में मिलकर विकी के पास जाते हैं उसे अब्यूज करने। अगले दिन जॉन पहुंच जाता है जंगल में विकी के लिए गड्ढा खोदने और यहाँ विकी के कपड़े पहनकर एवलिन खुद को यंग फील कर रही थी जबकि विकी बिल्कुल होपलेस हो चुकी थी, उसने जीने की होप खो दी थी। लेकिन इसकी मॉम इसे जी जान से ढूंढने में लगी हुई है। वो लेटर उसने जेसन को दिखाया और जेसन ने उस सीक्रेट मैसेज को क्रैक कर लिया और उस सीक्रेट मैसेज में एड्रेस है किसी घर का और ये एड्रेस मैगी के घर के पास ही है, यानी कि विकी वहीं आसपास है और ये बात तो हम जानते ही हैं। यहाँ एवलिन ने विकी की डायरी पढ़ ली थी, उसे पता चल गया कि घर से भागकर विकी पार्टी में जा रही थी, तभी इन्होंने उसे पकड़ा। वो कहती है कि अगर तुमने अपनी मॉम की बात सुन ली होती तो तुम आज यहाँ ना होती, और इस बात का एहसास विकी को भी हो रहा है। एवलिन फिर से उसे नहला कर तैयार करती है और इस बार विकी ने खुद अपने आप को लॉक किया। जॉन घर आता है तब वो लू से काफी परेशान था, वो उसे बाहर भगा रहा था लेकिन लू बाहर नहीं जाती। तब जॉन लू को लात मार मार कर उसे जान से मार डालता है और एवलिन बीच में आती है तब वो उसे भी मारता है। इससे एवलिन काफी ज्यादा दुखी हो गई थी लेकिन फिर से जॉन ने उसे ये कहकर मना लिया कि चलो विकी को मारते हैं। एवलिन विकी से एक और लेटर लिखवाती है और उसके बाद वो उसे नींद की दवाइयाँ दे रही थी क्योंकि अब जॉन उसके टुकड़े करेगा। यहाँ मैगी पहुंच चुकी थी पुलिस के पास उन्हें सब कुछ बताने के लिए, लेकिन पुलिस वाले कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, इसीलिए वो खुद ही काम पर लग जाती है। वो उस एड्रेस पर पहुंच गई थी। दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर एवलिन विकी का मुंह बंद कर देती है। जॉन जाकर चेक करता है तब वो उसका पड़ोसी था और वो उसके पैसे लेने आया है। विकी
विकी के मॉम इनके सामने वाले घर पे है, क्योंकि खिड़की से भागते वक्त विकी सिर्फ उसी घर का नंबर देख पाई थी। मैगी को अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए वो अपनी बेटी का नाम चिल्ला रही थी। अपनी मॉम की आवाज सुनकर विकी की जीने की होप फिर से जाग गई। इसकी मॉम इसे बाहर बुला रही है, अगर अब ये कुछ कर पाई तो बच सकती है, वरना मरना तो इसका तय है। एवलिन को भी विकी के ऊपर तरस आ रहा है, क्योंकि इसकी मॉम की आवाज सुनकर ये भी उसका दर्द महसूस कर सकती है, क्योंकि ये भी तो एक माँ है और ये अपने बच्चों से इतना दूर है। ऊपर से ये अपने बच्चों के लिए कुछ कर भी नहीं रही, जबकि विकी की मॉम उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। अब तो एवलिन को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। विकी हिम्मत दिखा रही थी और वो कहती है कि मुझे मार दो। ये सुनकर जॉन उसे मारने आता है, वो उसका गला घोटकर उसे मार रहा था, तभी एवलिन उसे चाकू से स्टैब कर देती है, क्योंकि एवलिन ने भी अब बहुत देख लिया, अब वो किसी और को मरते हुए नहीं देखेगी। जॉन को बार बार उसके पेट में स्टैब करके वो अपनी भड़ास निकाल रही थी, और इसी बीच विकी विंडो से बाहर निकल जाती है और आखिर ये फ्री हो गई। वो अपनी मॉम की तरफ जा रही थी कि तभी उसके सामने आ जाती है एवलिन, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। उसकी मॉम कार में बैठकर जा चुकी थी और विकी पैदल ही उसका पीछा कर रही थी। तभी अचानक विकी की मॉम का ध्यान पीछे जाता है और उसने विकी को देख लिया। यहाँ फाइनली विकी अपनी फैमिली से दोबारा मिल गई, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी के बारे में सोचकर डर लगता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये मूवी रियल स्टोरी पर आधारित है, यानी कि ये सब किसी के साथ सच में हुआ होगा और यही बात सबसे खौफनाक है। हाँ, तो अब बात करते हैं रियल लाइफ केस के बारे में। ये बात है 1986 की, जब डेविड और कैथरीन नाम के एक कपल ने 4 लड़कियों को किडनैप करके उनका रेप करके उन्हें मार डाला था। इन दोनों की 5वीं शिकार थी 18 साल की केट मोयर, जो कि अगले ही दिन इनके घर से भाग निकली थी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और मुझे मोटिवेशन। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।